that's the name. Well, he's doesn't live. डॉक्टर आपसे जाने कि माथुर जी को क्या हुआ है और उनकी कैसी स्थिति अब? माथुर जी बिल्कुल ठीक है, घर जाने के लिए तैयार है और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और हार्ट की आर्टरी ब्लॉकेज की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, बट अब बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है और जल्दी वापस अपने डेस्टिनेशन में पहुंचे क्षेत्र में पहुंच के आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे जी। क्या मतलब इनका क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ है? इनको थोड़ी दवाइयां चली हैं और हार्ट के लिए कुछ ट्रीटमेंट किया गया है और यहीं आप क्या कहेंगे माथुर साहब, बताइए अपने शुभ चिंतकों से। सब बांके बिहारी जी, यमुना जी और द्वारकाधीश की कृपा और सभी ब्रजवासियों की कृपा, खासतौर से हमारे डॉक्टर साहब की कृपा जिन्होंने निक ऑफ द टाइम पे हमारी ब्लड प्रेशर आई होने पर हमें कंट्रोल किया और 3 दिन हम लोग आईसीयू में रहे, फिर 3-4 दिन हम कोरोनरी केयर यूनिट में रहे और 2 स्टंट डॉक्टर साहब ने डाले हैं और समझ लीजिए कि डॉक्टर साहब ने दिल को फिर से जवान किया है जनता की सेवा के लिए और ब्रज की जनता का मैं बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने इस गंभीर समय में मेरा साथ दिया और न्यूज चैनल का भी आभारी हूँ जिसने समय समय पर पत्र की जनता को मेरे स्वास्थ्य के बारे में अवगत कराया और सभी प्रेस बंधुओं को भी, प्रेस और आम जनता को भी बहुत साधुवाद करता हूँ जिन्होंने आपकी उम्र बढ़ाई, उम्र बढ़ाई उनके लिए भी साधुवाद। और मैं समझता हूँ कि इस दौरान सबने मेरे लिए अच्छा ही सोचा क्योंकि वो जानते हैं कि मथुरा और माथुर ज्यादा कोई ज्यादा फर्क नहीं। अच्छा रवि जी आप क्या कहोगी इन दिनों कैसा लगा आपको, क्या क्या अनुभूति रही आपकी? टेंशन में रही क्योंकि एकदम हमारे साथ ठीक आ रही है और एकदम ब्लड प्रेशर की वजह से, लेकिन यहाँ हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिला, एकदम क्योर हो गई सब चीजें और ठीक है और 1-2 दिन में मस्त आए। उस रोज क्या हुआ था जिस रोज आप रात में यूपी भवन में खाना खा रहे थे? ये सब मैं क्या बताऊँ।